विवेक जी जरा मुझे एक चीज बताइए, हालांकि हमारे कुछ लोग इसमें पूछ ही रहे हैं, कुछ लोगों का तर्क है कि भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन नेहरू जी ने किया था तो इसका ये क्यों नहीं करेंगे। अब ये अपने अपने तर्क हैं। चलिए मैं एक चीज जरा और, कभी कभी आपको नहीं लगता है कि मोदी जी की इस ओवर ड्राइव की वजह से थोड़ा थोड़ा जो सीरियसनेस ऑफ द कंट्री है वो भी एक कॉम्प्रोमाइज होती है। मैं दो उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद में मोदी जी भी अभी गए हिरोशिमा और बड़ा फैनफेयर से गए कि जापान गए। मैं अभी देख रहा था कि जापान में वो क्यों गए। जापान में G7 की बैठक थी। G7 से हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यूएस है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और जापान है। जापान और उनके यहाँ रोटेशन बेसिस पे होस्ट करते हैं। ये 49th उनकी समिट थी, उसमें उन्होंने 9 देशों को और बुलाया था। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मैं जरा समझना भी चाहूंगा, इन G7 ने 9 देशों को अतिथि के रूप में बुलाया था जो यहां पार्टिसिपेट कर रहे थे। बुलाया था ज्यादा को 9 लोग आए थे। और फिर हमारे यहां कहा गया कि देखिए केवल भारत को कितनी वो दी गई है इज्जत, दुनिया के केवल 9 देशों में भारत को भी बुलाया गया, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम। यूक्रेन की अपनी मजबूरी है क्योंकि उसको वर्ल्ड फोरम पे जहां पे भी आज जा रहे हैं उसको वहां जाके अपना एक लॉबिंग करनी है, अपनी बात कहनी है और दुनिया के का जो वो है उसको अपने पक्ष में करना है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये जो हमारे जहां मोदी मतलब हमारे प्रधानमंत्री की जो ताकत देख के बुलाया गया जहां पे, उसमें उन 9 लोगों में 2 राष्ट्र और थे। मैं नाम इसलिए पढ़ दे रहा हूं कि मुझे देख के, उसमें एक कॉमोरोस था, COMROS, ये अफ्रीका देश का एक कोई देश है। मैंने ऐसे ही देखा कि इसमें क्या है, उसके प्रेसिडेंट साहब आए थे। इसकी कुल आबादी 8.5 लाख है, 8,50,000। तो उनके साथ हमारा भी मतलब हमारी उसकी ताकत और हमारी ताकत को देख के पूरी दुनिया में उनको भी बुलाया गया, हमें भी बुलाया गया। जो दूसरा एक देश है जो जिसको हमारे साथ बुलाया गया और जो हम भागे भागे चले गए, उसका नाम है कुक आइलैंड। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि खुद ही गूगल करके कोई भी देख सकता है, उसका नाम है कुक आइलैंड। ये 9 देश हैं, उसमें से एक देश कुक आइलैंड है। और इसकी आबादी, इसके प्राइम मिनिस्टर गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, किसी से कम नहीं। कुल आबादी 15,040 लोग, 15,040, और हम ढिंडोरा पीट रहे हैं कि दुनिया के 9 देशों को बुलाया गया। मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि इतनी ज्यादा चाहत क्यों है फोटो खिंचवाने की, इतनी ज्यादा चाहत क्यों है कि हम कहीं जाएं, लोग हमारा वो हो, लोग देखें। अब वो एक एक राष्ट्राध्यक्ष ने उनका पैर छू लिया तो सब जगह है कि देखो पैर छू रहे हैं। मैं थोड़ा ये, क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जो पार्लियामेंट हाउस की बात हो रही है, ब्रजेश जी कह रहे थे अरे भाई ये राष्ट्रपति का घर है, ही इज पार्ट, उसके बिना ये कंप्लीट नहीं है पार्लियामेंट। तो ये तो राष्ट्रपति किसको बुलाएगा किसको नहीं बुलाएगा, आप कहां से उसमें, अब आप हो गए कि नहीं इन्होंने इनविटेशन ही नहीं दिया है। मैं दोनों चीजों पे, जो इतना ज्यादा फोटो सेशन करने की इच्छा, इतना ज्यादा फर्स्ट पेज पे रहने की इच्छा, इतना ज्यादा न्यूज की इच्छा, अल्टीमेटली इससे वोट बढ़ेंगे कि अब ये पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो गया है। विवेक जी, तो जो भी आपने उदाहरण बताया और हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं पिछले 10 साल में कि नार्सिसिज्म की इंतहा, मतलब पता नहीं अभी इंतहा हो गई है या फिर अभी और कुछ बाकी है। मुझे तो लगता है और बहुत कुछ बाकी है 2024 के इलेक्शन के आने से पहले, और बहुत कुछ फोटो सेशंस देखने को मिलेंगे। अपने ही प्रेम में कोई व्यक्ति इतना मशगूल हो जाए कि भाई मैं हूँ तो कोई नहीं, इसका इससे बड़ा, मोदी जी से बड़ा कोई दूसरा उदाहरण आज तक भारत के राजनीति के इतिहास में हमने देखा नहीं। हो सकता है किसी और फील्ड में ऐसे लोग हो, लेकिन राजनीति में इतना खुद के प्रेम में लिप्त व्यक्ति दूसरा तो कोई मेरे ध्यान में तो दूसरा कोई नहीं है। सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है, सेल्फ इम्पोर्टेंस होना भी चाहिए, जो हमारे राष्ट्रपति को नहीं है बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सेल्फ इम्पोर्टेंस ठीक है, लेकिन सेल्फ लव जो होता है वो बहुत ही, वो एक मुझे लगता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ओर इंगित करता है। अपने पद की गरिमा खुद
राष्ट्रपति अगर ना बनाए रखे तो फिर प्रधानमंत्री कहाँ से बनाए रखेंगे। ये प्रधानमंत्री तो ऐसे है जहाँ पर जिनके सामने अपने आप को अपना महत्व बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो तो आपको बिल्कुल महत्व नहीं देंगे। जब मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनाया गया उस समय बहुत ढिंडोरा पिटा गया कि देखिए बीजेपी ने एक जमाने में एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया था, फिर एक दलित को राष्ट्रपति बनाया और अब एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। अभी जिस तरह से रामनाथ कोविंद हमारे प्रधानमंत्री के सामने पेश आते थे हमने देखा है, वो अपनी पद की गरिमा को खुद भी मेंटेन नहीं कर रहे थे। और अभी उसी तरह से मुर्मू जी का भी हम देख रहे हैं, अगर उनको इन्वाइट नहीं किया गया है इस इतने बड़े फंक्शन में तो वो तो नाराज होनी चाहिए, उन्हें नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए। अगर आप जाकर उनका इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है आपको इस प्रोग्राम में नहीं बुलाया है इतने बड़े, तो वो कहेंगे नहीं नहीं मेरी उसमें क्या, मेरा कोई लोकल स्टैंडा ही नहीं है, मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया, इस तरह की बात कहेंगे। उन्होंने एक वक्त कहा भी था गुजरात में जाके कि इस देश ने गुजरात का खाया है, वो इस तरह की बात अगर कोई राष्ट्रपति के पद पर बैठी व्यक्ति कर सकती है तो वो अगर खुद की खुद का महत्व सेल्फ इम्पोर्टेंस उनको खुद को नहीं है तो हम मोदी जी को क्या दोष दें कि उन्होंने राष्ट्रपति को कोई महत्व नहीं दिया, खुद ही अपने आप को वो इस स्तर पर ले आई है। तो ये सिर्फ टोकनिज्म जो है दलित राष्ट्रपति, हालांकि जब अब्दुल कलाम जी को प्रेसिडेंट बनाया गया तो वो अपने आप में वो डिजर्व करने वाली एक व्यक्ति थी, लोग उनसे प्यार भी करते थे। लेकिन रामनाथ कोविंद का क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन है, रामनाथ कोविंद का क्लेम टू फेम क्या है, वो राष्ट्रपति बने मोदी जी की कृपा से और उसमें एक पॉलिटिकल इंटेंशन था कि किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया तो उसका फायदा भी उठाना था, अब आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया उसका फायदा उठा रहे। तो रामनाथ कोविंद और कोविंद और मुर्मू जी जो है वो अगर इस्तेमाल होने दे रहे हैं किसी राजनीतिक पर्पस के लिए तो उनका दोष है। तो अच्छा, जहाँ तक पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग का सवाल है, मैं तो शुरुआत इस बात से करूँगा कि जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने का कोई प्रपोजल था तो क्या उसमें कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई या फिर पार्लियामेंट के सारे जितने भी पार्टीज है उस पार्टीज के नुमाइंदों को बुलाकर उनकी एक कमेटी गठित की गई और उनको ये बताया गया कि भाई अभी हमको एक नए पार्लियामेंट की ज़रूरत है और उसके लिए हमें क्या करना है, आपके तरफ से भी आप कुछ सुझाव पेश करें तो अच्छा होगा। ये होना चाहिए था क्योंकि पार्लियामेंट तो सिर्फ बीजेपी की नहीं है, पार्लियामेंट में सारी देश के सारे कॉर्नर से आए हुए जितनी भी पार्टीज है वो बैठती है, वो वहाँ चर्चा करती है। हालांकि चर्चा आजकल नहीं हो रही है, बात अलग है, मोनोलॉग ही होता है, मन की बात ही होती है। तो इस तरह से शुरुआत होनी चाहिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेक होल्डर्स बनाना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। तभी मुझे लगता है तभी अपोजिशन पार्टीज ने प्रोटेस्ट करनी चाहिए थी कि आपने हमको स्टेक होल्डर्स में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पार्लियामेंट तो कोई बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं। तो देखिए इसमें गलती अपोजिशन की भी है, सिर्फ मैं मोदी जी का नार्सिसिज्म जो है उसको इसका जिम्मेदार नहीं मानता। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी भूमिका जो है वो अदा नहीं कर रहे, आप अपना अपोजिशन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो आपकी भी गलती है। आपने कहना चाहिए था कि ये अगर पार्लियामेंट बन रहा है जिसमें हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है और हमें कोई भी महत्व नहीं दिया गया, तो ऐसे पार्लियामेंट में हम नहीं बैठेंगे। आपने उसी समय ये स्टैंड लेना चाहिए था। अब आप मुर्मू जी का एक उदाहरण देकर बोल रहे कि देखिए मुर्मू जी को नहीं बुलाया, आपको बुलाया था क्या? चलिए ठीक है, मुर्मू जी तो टाइटुलर हेड है, आपको बुलाया था, आपको चर्चा में शामिल किया गया था, आपको स्टेक होल्डर बनाया था, आपको आप अपनी बात कीजिए ना। मुर्मू जी तो जाने, आपको पता है मुर्मू जी किस तरह से राष्ट्रपति बनी है और वो किस तरह की राष्ट्रपति है। वो मोदी जी किसी प्रोग्राम में, मैंने 26 जनवरी किया किसी गार्ड ऑफ ऑनर में, इस तरह की भी बात चली थी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे प्रधानमंत्री सामने चल रहे, उनके पीछे मुर्मू जी चल रही है। पता नहीं मुझे उस बात का वेरासिटी कितना है, लेकिन इस तरह की चर्चा भी हुई थी। अब उस पार्लियामेंट में जब स्पीकर बैठते हैं तो उनकी पोजीशन बहुत ऊपर होती है,
और सारे लोग नीचे बैठते हैं क्योंकि वो एक ऐसा आसन है जिसको जिसका एक महत्व है, जिसका एक अपना डिग्निटी है, और वो पार्टी से ऊपर होते हैं तो उनका एक सम्मान होता है। मैं तो मुझे आश्चर्य होगा कि अगर इस पार्लियामेंट में उनका आसन, आज नए पार्लियामेंट में भी उनका आसन ऊपर हो प्रधानमंत्री के आसन से, तो प्रधानमंत्री ये बात भी कैसे गवारा करते हैं मुझे पता नहीं कि मैं नीचे बैठूंगा और मैंने चुना हुआ कोई व्यक्ति वो ऊपर बैठेगा और मैं उनको सम्मान देकर नीचे से बात करूं। इस तरह की बात प्रधानमंत्री किस तरह से टॉलरेट करते हैं पता नहीं। वो तो चाहते होंगे कि उनका आसन जो है वो सभापति के आसन से भी ऊपर हो या कम से कम उनके बराबरी में हो। तो ये नार्सिसिज्म के इस जमाने में कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि वंदे भारत की 17 ट्रेन अभी तक इनॉग्रेट हुई। कभी आपने इस देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में इस तरह की बात देखी है कि हर एक ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं? कभी उन्होंने वर्चुअली किया, ज्यादातर वो वहाँ फिजिकली जाकर कर रहे हैं। नागपुर के वंदे भारत का उन्होंने वर्चुअली किया था, लेकिन वो आए थे इधर ही कहीं नागपुर की साइड ही आए थे, वहीं से उन्होंने वो कर दिया। तो ऐसा कभी हुआ है? एक गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, समझ सकता है। लेकिन उस प्रोजेक्ट के अलग अलग सेगमेंट्स, जितने भी सेगमेंट्स है, सारे सेगमेंट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बहुत ही अचंभे वाली बात है। मतलब इतना खुद से प्यार, और मैं हूँ तो कोई नहीं, इस तरह का जो कंडक्ट है प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को अब इस तरह की एक भक्तों में, अंध भक्तों में एक चर्चा चल रही है, वो जो पैर छूने वाले कोई है राष्ट्राध्यक्ष पता नहीं वो कौन है भाई, वो खुद की गरिमा खुद नहीं रखना जानते हैं, वो मोदी जी के पैर कभी कभी होता है अभी इंटरनेशनल भी। हमारे मोदी जी जो है वो गले मिलते हैं, उन्होंने नया ट्रेडिशन शुरू किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं होता है, वहाँ पर हस्तांदोलन होता है, वहाँ पर शेक हैंड होता है, वो छोड़कर आप गले मिल रहे हैं। तो ये तो प्रेसिडेंट को पहले नाम से बुला रहे हैं, बराक कह रहे हैं, तो ये क्या क्या समझते हैं, मतलब क्या लगता है उनको कि कोई नई ट्रेडिशन इंटरनेशनल रिलेशन में नई ट्रेडिशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं? भक्तों में चर्चा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस बात का जिक्र किया अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ में कि जब मैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गया था, वहाँ पर वो हमने एक लैब लगाया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोई क्रिकेट मैच था वहाँ पर हमने, और 90,000-95,000 लोग खड़े होकर हमको सम्मान दे रहे थे, चीयर कर रहे थे। इस तरह की कोई बात भी मोदी जी को ऊपर चढ़ाने के लिए शायद कही होगी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने। उसके ऊपर बाइडन जो है वो कह रहे हैं कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, ऐसा मोदी जी को कह रहे हैं, और इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। मुझे तो लगता है वो कोई खिल्ली उड़ाने वाली बात ही है शायद, उसमें कोई मतलब वो कोई बाइडन जी उनके फैन बन गए हैं, इस तरह की बात जो बताई जा रही है भक्तों, मुझे लगता है तो मजाक उड़ाया गया है कि हम तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। कैसे लें, कैसे, किस तरह से भाई, अगर आप अमेरिका जाकर फिर एक बार ट्रंप सरकार कहते हैं, आप बाइडन की जो अपोनेंट है उनके लिए इलेक्शन का कैंपेन करते हैं, जो अपने आप में एक अजूबा है, किसी एक देश का हेड ऑफ स्टेट दूसरे देश में जाकर वहाँ की कैंडिडेट को चुन के लाओ, इस तरह की बात करता है, ये भी अपने आप में एक माइलस्टोन है मोदी जी के करियर में। अब अगर आप ट्रंप को फेवर करते हैं, तो बाइडन अगर आपसे ये कहते हैं आपका ऑटोग्राफ चाहिए, तो आपका मजाक ही उड़ा रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं तो फिर अमरीकी सरकार का जो एक रिपोर्ट आया है माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर, वो तो आपके पक्ष में जाता है, अगर वो आपके इतने फैन थे वो आपके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? वो अगर आपको इतना सम्मान करते हैं, तो फिर वो जो रिलीजियस फ्रीडम वाला जो रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया का बहुत कड़े शब्दों में इंडिया की निंदा की गई है, वो क्यों की गई है? तो ये जो है, आपको और दो तीन उदाहरण, एक दो उदाहरण बता के अपनी बात खत्म करूंगा। कोची मेट्रो का उद्घाटन था, जहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथ से हुआ था, कोई भी आप भारत का मेट्रो देख लीजिए, कोई भी बुलेट ट्रेन जो भी है, कोई भी बड़ा हाईवे देख लीजिए, उसका उद्घाटन तो मोदी जी ही करते हैं। कोची मेट्रो के उद्घाटन के समय में हमारे प्रधानमंत्री के हाथ से वो उद्घाटन हुआ, वहाँ पर
ई श्रीधरन जो भारत के मेट्रो मैन है उनको नहीं बुलाया गया था, उनका नाम कार्ड में नहीं था, इनविटेशन कार्ड में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तब जाकर फिर उनको बुलाया गया। वो जब आए तब सबसे ज्यादा तालियां उनके लिए भेजी, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताली भेजी। अब क्या क्या रहा प्रधानमंत्री जी का, क्या उसकी उनकी गरिमा क्या रही। लेकिन ये बात अलग है कि श्रीधरन साहब ने फिर खुद को एक हंसी का ये बना लिया, वो बीजेपी का टिकट लेके इलेक्शन लड़े, हार गए, वो अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन उनका जो एक स्टेटस है मेट्रो मैन के हैसियत से, उनकी जो एक पहचान है, आप अपने सामने किसी को मानते ही नहीं है, और उनको उनका नाम पत्रिका में क्यों नहीं छापा आपने। तो ये मैं हूं तो कोई नहीं वाला जो मामला है, फोटो अपॉर्चुनिटी। अडवाणी, आपने देखा होगा कि पुराना वीडियो चल रहा था बीच में फेसबुक पर, जिसमें आपकी अदालत में मोदी जी से पूछा गया, जब 2013 में उस गए थे, 2013-14 के शुरू में मोदी से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे, तो कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे बनाया, जो मेरे गुरु है अडवाणी जी, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहेंगे। तो फिर से उनको पूछा गया कि फिर अगली बार कौन प्रधानमंत्री, वो कहे कि अगली बार भी प्रधानमंत्री अडवाणी जी ही बनेंगे, लगातार दो बार। और फिर क्या हुआ, एक वीडियो आपने देखा होगा जहाँ पर वो स्टेज पर चढ़ रहे हैं मोदी जी, और वहाँ पर अडवाणी जी हाथ जोड़े खड़े हैं, और ये उनका नमस्कार भी नहीं ले रहे, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी। ये है इस व्यक्ति की असलियत। तो कहना एक, करना दूसरा कुछ। तो ये कुल मिलाकर इस देश के लिए एक हिप्नोटिज्म का जो स्पेल चल रहा है, कि वो उनका एक, मैं उनको पॉलिटिकल बाबा कहता हूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कोई करिश्मा वगैरह कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल बाबा है, उनका हिप्नोटिज्म चल रहा है, जितने देर चलेगा चलेगा, एक दिन उतर जाएगा, उतर जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर इस देश में जिस तरह की अभी ट्रेडिशन चल रही है, जिस तरह की नई नई ट्रेडिशन बन रही है, इस देश के लिए बहुत ही घातक है। इस पार्लियामेंट में अपोजिशन वालों को क्या मजा आएगा, आप देखिए, जहाँ पर उनको कुछ भी तवज्जो नहीं दी गई हो, वहां पर क्या बात होगी। अच्छा, किस तरह से बन रहा है, क्या कभी अपोजिशन वालों को इसका एक टूर कराया गया कि देखिए ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग इस तरह से बन रही है, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर वो होगा। मोदी जी कई बार गए, उन्होंने इंस्पेक्शन किया। तो एक व्यक्ति देश के ऊपर, सारे देश के ऊपर एक व्यक्ति को बिठा दिया जाए, और देश से ज्यादा महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है, इस तरह का अगर एक स्थिति बन गई है, तो उससे ज्यादा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। तो ये जब नार्सिसिज्म का स्पेल तो तभी खत्म होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे, इसके लिए जो सजग जनता है, जिसको जो समझते हैं, जो इसको इसके पीछे का जो नाटक है उसको समझते हैं, जो नहीं समझते है, जो अंधभक्त है उनकी बात अलग है, जो समझते हैं उनको कुछ करना होगा। भाई ये नहीं चलना चाहिए, देश सर्वोपरि है, यही बात हमेशा कायम रहनी चाहिए, और उसके लिए सारे जो सजग नागरिक हैं उनके लिए, उनको कुछ ना कुछ 2024 में करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। आनंद जी, जी। एक छोटी सी बात कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहनी चाहिए। देखिए मोदी जी जो है वो किसी को भी नहीं मानते, वो सावरकर को नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, वो सिर्फ अपने आप को मानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए पिछले 10 साल में, मतलब लगभग 10 साल, 9 साल हो गए, 10 साल हो जाएंगे, और अभी तक नागपुर वो 3-4 बार आकर गए, एक बार भी वो RSS हेडक्वार्टर नहीं गए। RSS के 2 एस्टेब्लिशमेंट्स नागपुर में हैं, एक महल नाम का जो एरिया है वहाँ पर RSS का मुख्यालय है, और रेशिमबाग नाम का जो एरिया है वहाँ पर RSS का एक बड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पर RSS के दुनिया भर से जो लोग आते हैं वहाँ रहते हैं, एक तरह का हॉस्टल है, और वहाँ पर ही उसके सामने एक मैदान है जहाँ पर उनका वो विजयादशमी वाला और थर्ड ईयर OTC वाला प्रोग्राम होता है, जहाँ पर संघ के प्रमुख जो अपना महत्वपूर्ण भाषण करते हैं। अब वहाँ पर गोलवलकर और हेडगेवार जो संस्थापक थे, और गोलवलकर जो दूसरे सरसंघचालक थे, उनकी समाधियाँ हैं। आज तक प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी आपकी आपकी जो भी आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, जिस वैल्यू सिस्टम से आप आते हैं, आप जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बने हैं, उस RSS के जो फाउंडर है और उसके जो जो भी फिलोसोफर है, जो भी है, हाँ, गाइड है, जिन्होंने RSS को बनाया पढ़ाया, ऐसे लोगों के समाधि पर माथा टेकने वो कभी भी नहीं है।
तो वो सावरकर से भी उनका कुछ प्यार व्यार नहीं है, सावरकर से भी कोई प्रेम नहीं है उनका, किसी से प्रेम नहीं, उनका गांधी से तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो गांधी का एंटीथेसिस है। जिस गुजरात में इतने दंगे हुए और जिन दंगों को एक सिर्फ देखते रहे, कुछ किया नहीं इन्होंने, वो क्या गांधी जी को मानेंगे? और ऐसे लोगों को संसद बनाया है जो गांधी जी के खिलाफ वक्तव्य देते हैं और कहते हैं कि मैं उनसे नाराज हूँ, और नाराजगी का कुछ परिचय नहीं देते, किसी एक्शन लेकर कुछ भी नहीं किया है आज तक उन्होंने उनके खिलाफ। तो ये किसी के भी नहीं है, ये गोलवलकर और हेडगेवार को भी नहीं मानते और संघ को भी नहीं मानते। संघ का इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप पिछले 9 साल में मुझे बताइए कोई भी उनका भाषण जिसमें उन्होंने संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की है कि भाई मैं आज जो कुछ भी हूँ संघ के वजह से हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है? मेरे पढ़ने में तो कभी नहीं आया। तो अगर वो संघ के बारे में ही इतने निगेटिव है या फिर उनको अगर कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर वो सावरकर से उनका कोई प्रेम है, फिर गांधी से कोई, ये बात कैसे मान ले? वो अपने प्रेम में लिप्त है बस, उनका एक ही वाक्य में उनका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वो नार्सिसिस्ट है, वो सिर्फ खुद से प्यार करते हैं और किसी से नहीं। इस बात को इस देश की जनता जितना जल्दी समझे उतना इस देश के लिए अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आनंद जी,